हाँ तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। क्या आप भी सीमेंट थे कुछ इस तरह का सीरी फोटो एडिटिंग, वो भी HDR क्वालिटी में देख सकते हैं। हमारा कपड़ा का कलर भी बहुत हार्ड है, तो आप भी सीमेंट थे कुछ इस तरह का HDR क्वालिटी सीरी फोटो एडिटिंग। तो इस वीडियो में लास्ट तक बना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख सकते हैं हमारा फेस बहुत हार्ड लग रहा है, कपड़ा का कलर भी लग रहा है। तो चलो बिना देरी के चलते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन। हाँ ले जानते, फ़ोन के होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले जाएंगे अपने गैलरी में, इस फोटो को ले लेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। बैक कर जाएंगे, लाइटरूम ओपन कर लेंगे, फिर इस प्रीसेट को ले लेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पे, फिर यहाँ से जाएंगे कॉपी सेटिंग पे, फिर इसको भर देंगे, फिर यहाँ से जाके सेव कर देंगे। इस प्रीसेट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर अपना फ़ोटो ले लेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पे, फिर यहाँ से जाएंगे पेस्ट सेटिंग पे, पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना समय आप। फिर यहाँ से जाएंगे शेयर आइकन पे, फिर यहाँ से शेयर करेंगे, सोचा तो फिर यहाँ से शेयर करेंगे अपने स्केच बुक के अंदर, फिर कटआउट कर देंगे, फिर यहाँ से जाएंगे लेयर के ऊपर, फिर यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, इसका डुप्लीकेट कर देंगे, फिर यहाँ से जाएंगे ब्रश वाला आइकन पे, इस ब्रश को ले लेंगे, सेटिंग देखो इसका ज़ूम कर लेंगे, फिर अपने फेस पर चलाएंगे ब्रश को, सो देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत हार्ड स्मूथ हो रहा है। अभी स्लो में करना नहीं होगा, सही है। फाइनली जानते देख सकते हैं हमारा फेस स्मूथ बहुत हार्ड हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो को फास्ट करते हैं वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो जानी इतना सब होने का, फिर यहाँ से एंगल लेयर पे,
फिर इस फोटो को ऊपर कर देंगे, इसका ऑपसिटी कम कर देंगे, 10 के आसपास रखेंगे। फिर यहाँ स्प्लास को ठीक किए क्लियर बना लेंगे। फिर यहाँ से लेयर पर क्लिक करके नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट कर देंगे। देख लो यहाँ से सॉफ्ट लाइट करने के बाद फिर बैक आ जाएंगे। फिर यहाँ से कलर पर जाकर रेड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रश पर जाके इस ब्रश को ले लेंगे। ब्रश देख लो, सेटिंग भी देख लो इसका, साइज अपने हिसाब से रखेंगे। जूम करके अपना लिप को अप्लाई करेंगे। नीचे वाला पूरा रंग देंगे, ऊपर का हिस्सा 20% ही रंग देंगे। फिर इतना सा बना फिर जाए फिर क्लियर पे, फिर इसका ऑपसिटी कम कर देंगे अपने हिसाब से 30 के आसपास रखेंगे। फिर इसको यहाँ से शेयर करेंगे, फिर यहाँ से शेयर कर लेंगे स्नैपचैट के अंदर। इसमें हमें क्या करना है, अपने कपड़े पर कलर देना है। जैसे हमारा कलर कम है, फिर जाएंगे टूल्स पे, फिर सिलेक्टिव पे, फिर यहाँ से ले जाके येलो का छोड़ देंगे। फिर यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे। देख सकते हैं हमारा कलर आ गया। सेम प्रोसेस करेंगे इस पर भी, कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे। इतना सोना फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ पर करेंगे सैचुरेशन कंट्रास्ट, इधर हैंड पर कर देंगे थोड़ा सा। इतना सब बना फिर यहाँ से जाएंगे शेयर वाला आइकन पे, फिर इसको शेयर करेंगे अपने फोटो रूम के अंदर। सो जान इतना सब बना फिर यहाँ से जाएंगे ब्लर वाला ऑप्शन पे, यहाँ से फिर यहाँ से जाएंगे लेयर पे, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड पे, फिर ब्लर पर जाके इसका फिर अपने हिसाब से रख लेंगे ब्लर। तो हम यहाँ से रखेंगे 50 के आसपास डन कर देंगे। फिर यहाँ से जाएंगे शेयर वाला आइकन पे, फिर यहाँ से जाके सेव टू गैलरी कर देंगे। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर अपना पिक्चर ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ से प्लस पर टिक के जाएंगे एडिट फोटो पे, फोटो पर ले लेंगे। फिर टूल्स पर जाके रिमूव पर जाएंगे और इस नाम को रिमूव कर देंगे। फिर यहाँ से सेव कर देंगे। फिर इतना समय फिर जाएंगे एड फोटो पे, फिर अपना PNG यहाँ से ले लेंगे। इस PNG को ले लेंगे, इस PNG का लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग पे, स्कैन कर देंगे इतना को रखेंगे। फिर यहाँ से डन कर देंगे। फिर यहाँ से जाएंगे इस पर, फिर यहाँ से सेव टू गैलरी कर देंगे। कर लेंगे फिर गैलरी में जाके इस फोटो को शेयर कर लेंगे, यहाँ से शेयर कर लेंगे स्नैपचैट के अंदर। फिर यहाँ से सेफ्टी पर जाके यहाँ से अपने फेस पर ले जाकर छोड़ देंगे, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। सेम प्रोसेस करेंगे फेस पर भी, डन कर देंगे। फिर यहाँ से करेंगे, फिर जाएंगे, फिर यहाँ से इस अंदर, फिर यहाँ से डन कर देंगे। सो फाइनली जान तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।